if x less than equal to 2, 2 say x less than 10, 21, if x greater than or equal to 10. ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एंड वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी. तो देखो जब ये कंटिन्यूअस है तो ये 2 पर और 10 पर भी कंटिन्यूअस होगा. आप देखेंगे 2 पर इसका नेचर चेंज हो रहा है, लेस देन 2 में ये फंक्शन है, ग्रेटर देन 2 में ये है. ऐसे लेस देन 10 में ये फंक्शन है, ग्रेटर देन 10 में ये फंक्शन है. तो इसका मतलब ये है कि आपका जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है. तो सिंस एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 2, तो देयरफॉर एट एक्स इज इक्वल टू 2 लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और डायरेक्ट सब्स्टिट्यूटेड वैल्यू तीनों इक्वल होंगी अगर कंटिन्यूअस है. अगर तीनों में से कोई दो भी आपस में इक्वल नहीं है तो भी डिसकंटिन्यूअस होगा. चलिए लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई आपकी, लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 माइनस समथिंग, और ये आ गई लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 प्लस समथिंग, और ये एफ टू. एफ टू का मतलब जब एक्स इक्वल टू 2 है तो ये 5. ये आपका आ गया लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 माइनस समथिंग, और 2 माइनस समथिंग पे एफ एक्स है 2 से छोटी वैल्यू पर फंक्शन 5, और ये लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 प्लस समथिंग 2 से बड़ी वैल्यू पर ग्रेटर देन 2 के लिए ये ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 5. तो यहां से हमारा आ गया 2a, डायरेक्ट कर दिया करो, एक्स की जगह यहां 2 रख दिया, 2a प्लस बी इक्वल टू 5. चलिए एक रिलेशन तो यहां से आ गया. एक ये है आल्सो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, कॉपी पेन लेकर बैठा करो, बार बार कह रहा हूं. आल्सो ऐसे मोबाइल को सामने फिक्स करके कॉपी पेन लेके टेबल के ऊपर बैठो, साथ साथ मेरे स्टेप नोट करो. मैं काफी गैप देता हूं, देखो बीच में रुकता हूं. आल्सो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 10, तो देयरफॉर एट एक्स इज इक्वल टू 10 लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड डायरेक्ट सब्स्टिट्यूटेड वैल्यू ये सारी इक्वल होगी. देखिए इसके बाद लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी होगी भैया लिमिट एक्स टेंड्स टू 10 माइनस समथिंग, राइट हैंड लिमिट लिमिट एक्स टेंड्स टू 10 प्लस समथिंग. इतने क्वेश्चन करा देता हूं, अब तो कंसेप्ट वैसे भी क्लियर हो जाता है. और एफ 10, एफ 10 का मतलब जब एक्स की वैल्यू इक्वल टू 10 है तो ये 21. तो ये आपका आ गया लिमिट एक्स टेंड्स टू 10 माइनस 10 माइनस में एक्स की वैल्यू जब 10 से छोटी है, लेस देन है, तो ये फंक्शन है ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी, और 10 प्लस में ये वैल्यू 21 है, और इक्वल टू 10 इक्वल टू में 21. तो ये आपका जब एक्स की जगह 10 रख दोगे तो 10 ए. अरे 10 माइनस से कंफ्यूज मत हो, 10 माइनस का मतलब होता ही 10 ईयर, 10 माइनस का मतलब 10 से जरा सा छोटा, लेकिन जब हम वैल्यू रखते हैं तो 10 ही रखते हैं, तभी इसको माइनस 10 रख दो. तो 10 ए प्लस बी इक्वल टू 21. ये दो नंबर रिलेशन है. अब हमारे पास दो रिलेशन होगी, नंबर एक और दो. अब हम इनको सोल्व करेंगे, देखिए कैसे सोल्व करते हैं. यहां मेरे पास जगह है, दो मिनट लगेंगे ए बी की वैल्यू सोल्व करने के लिए. एक हमारे पास है 2a प्लस बी इक्वल टू 5, और दूसरी हमारे पास है
टेन ए प्लस बी इक्वल टू 21। माइनस करिए आप, ये आ जाएगा माइनस एट ए और ये माइनस 16 है, थोड़ा पास इक्वल ए इक्वल टू 2। और जब ए इक्वल टू 2 है तो बी इक्वल टू 1। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन, समझ आ गए। अदिति देखो, एनसीईआरटी के तो ऑलमोस्ट क्वेश्चन में करा भी रहा हूं, और सभी फेयर नोटबुक में करा करो अपनी स्कूल की में लिया, उसकी पिक्चर स्कूल में ले सेंड करके आपका काम हो गया। बार बार थोड़ी करते फिर होगे, आप रफ में करा फिर फेयर में कर लिया। 31 नंबर क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, एफ एक्स इक्वल टू कोस एक्स स्क्वायर, एफ एक्स इक्वल टू कोस एक्स स्क्वायर। देखिए आप एफ एक्स ले लीजिए, एफ एक्स लेते हैं कोस एक्स को, और जी एक्स लेते हैं एक्स स्क्वायर को, एफ एक्स कोस एक्स को, क्योंकि ये कंपोजिट फंक्शन है कोस और एक्स स्क्वायर। एफ एक्स हमने कोस एक्स ले लिया, जी एक्स स्क्वायर ले लिया, तो देखिए ये आपका एच ओ जी क्या होगा, एच ओ जी, एच एज ए फंक्शन ऑफ जी एक्स, एच एज ए फंक्शन ऑफ जी एक्स, एच में जी एक्स यानी कि कोस एक्स किया। तो देखिए आपका एच एक्स कंटिन्यूअस है, ऑलवेज कंटिन्यूअस, वो फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूअस, और एक्स स्क्वायर पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये भी ऑलवेज कंटिन्यूअस। तो आप लोगों को याद होगा कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उनके कंपोजिट फंक्शन भी कंटिन्यूअस होगा। तो इनका जो कंपोजिट फंक्शन है एच ओ जी, विच इज कंपोजिट फंक्शन, हेंस कंटिन्यूअस। बताइए किसी को डाउट है? भाई साहब इतने साल पढ़ाते हो, आज सबसे कोई दिक्कत आई? अब सभी को लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और ऐसे लेके चलेंगे तो ये थोर में किस नाम की है जो इस्तेमाल करेंगे, जो मैं बोर्ड पर कराता हूं ना भाई, ये मान के चला करो। वैसे को कैलकुलेशन हो जाए तो देखो, मैं नहीं मानता कि छोटी मोटी वैसे कैलकुलेशन हो जाए, मेथड में कभी गलती नहीं होगी। उन्नीस सौ बानवे से पढ़ा रहा हूं और ऐसी कोई बुक नहीं है जो मैंने नहीं पढ़ाई है। आर डी शर्मा है, दिनेश है, कंप्रीहेंसिव है, एलिमेंट्स की बुक या पढ़ाता हूं। ये बुक तो लास्ट में सिलेक्ट की जब हमने ये देखा कि सबसे अच्छा पैटर्न इस बुक का है, तब पढ़ाने में यूज किया। इससे पहले हम कंपनी एनसी पढ़ाते थे, शुरू में से दिनेश भी पढ़ाई है, आर डी शर्मा पढ़ाई है पिछलों की। चलिए देखिए, एफ एक्स इक्वल टू कोस एक्स मोड में, इसमें भी आपको ऐसे सोचना पड़ेगा कि एच एक्स आप ले लें कोस एक्स और जी एक्स ले लें आप मोड है। तो देखिए जी ओ एच जी एज ए फंक्शन ऑफ एच एक्स, जी एज ए फंक्शन ऑफ एच एक्स, जी एज ए फंक्शन ऑफ एच एक्स, एच एक्स ले लिया कोस एक्स को, जी एक्स ले लिया मोड एक्स को, एच जी ओ एच जी ओ एच जी ओ एच जी एज ए फंक्शन ऑफ एच एक्स, जी एज ए फंक्शन ऑफ एच एक्स,
आप देखिए जी एच ए फंक्शन ऑफ एच एक्स जी, ये रहा आपका एच एक्स, ये मोड में एच एक्स, और ये आपका आ गया मोड में एच एक्स मतलब फोर्स। तो देखिए ये आपका फंक्शन है ऑलवेज कंटिन्यूअस बेटा, शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूं मैं, और ये मोड फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूअस बताया था मैंने, ऑलवेज कंटिन्यूअस। तो इनका कंपोजिट फंक्शन है ऑलवेज कंटिन्यूअस। देखिए मेंटली प्रिपेयर हो जाइए, आपकी ऑनलाइन ही क्लास चलेगी, बार बार कह रहा हूं मैं आप लोगों को। इस साल मुझे नहीं लगता कोई संभावना दिखाई दे रही है, जिस हिसाब से केसेस बढ़ते जा रहे हैं, दिल्ली के हालात हो गए, दिल्ली से हम दूर नहीं है। मैं समझता हूं सबको समझ आ गया कि अगर दो फंक्शन कंटिन्यूअस हैं तो उनके कंपोजिट फंक्शन भी कंटिन्यूस। 34 वो तो मैं उसको ले लेते भाई, इसमें हमने कोस एक्स को एच एक्स ले लिया, जी एच ले लिया, तो हमने देखा था एक्सओ जी बन रहा है, जीओ एच बन रहा है। भाई थोड़ा सा तो देखो दिमाग लगाना पड़ता है किसी क्वेश्चन में। अब देखिए जैसे इसमें एच एक्स लिया आपने कोस एक्स, भाई एक तो फोर्स है, दूसरा एंगल एक्स स्क्वायर है, एच एक्स फोर्स एक्स ले लिया, जी एक्स एक्स स्क्वायर ले लिया, तो कंपोजिट फंक्शन होता है एच एज ए फंक्शन ऑफ जी एक्स, इसलिए हमने एच ओ जी लिया है, क्योंकि एच के अंदर जी एक्स है, ये जी एक्स एच के अंदर है, एच ए जी ले लिया, एच ओ जी ले लिया। इसमें क्या किया भाई, एक फंक्शन तो फोर्स लेना था, दूसरा बोर्ड है, तो हमने क्या किया, फोर्स अंदर है, किसके अंदर है, जी के अंदर है, जी के अंदर कोस है, तो इसलिए जी एच लिया। ठीक है बोलिए। देखिए नेक्स्ट हमारे पास ये 33 कहो तो मैं मोटा मोटा लिख देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 33 और 34 दोनों का एक्सप्लेन कर देता हूँ। साइन मोड एक्स, तो ये आपका एफ एक्स है साइन मोड एक्स, तो आप जी एक्स ले लो साइन फंक्शन और एच एक्स ले लो मोड फंक्शन, दो चीज है साइन और मोड, मेरे ख्याल से तो क्लियर हो गया। और ये आ गया आपका जी के अंदर एच एक्स है, तो जी ओ एच लेना पड़ेगा आपको, जी एज ए फंक्शन ऑफ एच एक्स, तो साइन मोड एक्स आ जाएगा आपका, आपको सबको पता है ये कंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस, तो कंपोजिट फंक्शन कंटिन्यूअस। थर्टी फोर नंबर क्वेश्चन देखिए बेटा, मैंने एक वीक पूरा लगाया है आपकी कंटिन्यूटी पर, और तुम्हारे स्कूल वाले 2 से 3 दिन के अंदर इसको खत्म कर देते हैं। मैंने पहले लिमिट बताई आपको, फिर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट अलग अलग करके दिखाया है, मोड है भैया, ये मोड है बेटा, गलती से मेरे को लग गया। तो आप एच एक्स ले लीजिए मोड फंक्शन, जी एक्स ले लीजिए मोड एक्स प्लस वन। अच्छा वैसे भी करके दिखाना चाहो तो एक पर्टिकुलर पॉइंट एक्स इक्वल टू ए लेके, ए पर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और डायरेक्ट वैल्यू इक्वल प्रूव करके दिखा दो, आप वैसा भी कर सकते हैं। आइए ये ऑलवेज कंटिन्यूअस,
ये ऑलवेज कंटिन्यूअस, मोड फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस। तो एफ एक्स क्या है, एच एक्स माइनस जी एक्स है, ये कंटिन्यूअस। बताइए इस चले जी। डेरिवेबिलिटी क्या है बेटा, डेरिवेबिलिटी जो आपने डिफरेंशिएशन निकाला है, जरूरी नहीं कि सभी फंक्शनों का डिफरेंशिएशन पॉसिबल हो, हर फंक्शन किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर डेरिवेबल हो, ये जरूरी नहीं। देखिए कब कहेंगे किसी फंक्शन को डेरिवेबल एट ए पर्टिकुलर पॉइंट, कि फंक्शन एफ इज सेड टू बी डेरिवेबल एट पॉइंट एक्स इक्वल टू ए इफ लिमिट एक्स टेंड्स टू ए टेंड्स टू एक्स टेंड्स टू ए माइनस एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। जैसे लेफ्ट हैंड लिमिट थी, यहां लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है, बताऊंगा मैं। और देखिए यहां पर ए माइनस लिया है और यहां पर आपका लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस समथिंग एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। तो अगर आपका इसको हम कहेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और ये कहेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव। अगर किसी पॉइंट के ऊपर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल है, तो हम कहेंगे कि हमारा जो फंक्शन है वो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे डेरिवेबल है, और अगर ये इक्वल नहीं है तो हम कहेंगे कि डेरिवेबल नहीं है, हम कहेंगे ये डेरिवेबल नहीं है। पहले मैं एनसीईआरटी में दो क्वेश्चन दे रखे हैं डेरिवेबिलिटी के, उन पर चर्चा करूंगा मैं, डिफरेंशिएशन से पहले दे रखे हैं देखना, पहली एक दूसरी एक्सरसाइज में पहले मैं उन क्वेश्चनों को कराऊंगा, फिर बातचीत करूंगा। प्रूव दैट द फंक्शन इज नॉट डिफरेंसिबल एट एक्स इज इक्वल टू वन। ये 5.5.2 का एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर हमारे पास है एनसीईआरटी से, मोड ऑफ एक्स माइनस वन, मोड ऑफ एक्स माइनस वन आपको प्रूव करना है इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू वन। वैसे भी याद रखिए कि जहां मोड फंक्शन जीरो हो, जहां मोड फंक्शन जीरो हो वहां, जहां मोड फंक्शन जीरो हो वहां पर वो डेरिवेबल नहीं होता। इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के पर्पज से कि मोड फंक्शन जहां जीरो होता है वहां वो डेरिवेबल नहीं होता। तो देखिए मैं करके दिखाऊंगा आपको। देखिए बेटा आपको मोड के बारे में एक बात मैंने बता रखी कि मोड फंक्शन पॉजिटिव एडिटिव यदि आपका x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, दैट इज x ग्रेटर देन इक्वल टू वन माइनस एक्स माइनस वन, इफ एक्स माइनस वन लेस देन जीरो दैट इज एक्स लेस देन वन। आपको याद होगा मोड एक्स इक्वल टू प्लस एक्स इफ एक्स ग्रेटर देन जीरो, मोड एक्स इक्वल टू माइनस एक्स इफ एक्स लेस देन जीरो। जब मैंने फंक्शन बताया होगा तो 100% बताया। भाई प्लस है तो एज इट इज लिख देंगे, माइनस है तो माइनस ऑफ माइनस करते हैं ताकि वो प्लस हो जाए, क्योंकि मोड का मतलब पॉजिटिव। आइए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं एक्स्ट्रा,
लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इस पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालते हैं वन माइनस से, लिमिट एक्स टेंड्स टू वन माइनस एफ एक्स माइनस एफ वन अपॉन एक्स माइनस वन, लिमिट एक्स टेंड्स टू वन माइनस समथिंग एफ एक्स माइनस एफ वन एक्स माइनस वन। देखिए जब x की वैल्यू 1 माइनस समथिंग है, जब x की वैल्यू 1 से छोटी है तो फंक्शन क्या है, ये रहा आपका जब x की वैल्यू ये नहीं आ रहा था। हाँ जी इधर जगह में होगी, थोड़ा स्पेस देखो इस साइड में स्क्वायर थोड़ा स्पेस। हाँ देखिए थोड़ा मैं इसको इधर ले लेता हूँ भाई, क्योंकि आगे जगह कम पड़ रही है, मुझे एक लाइन में फिनिश करना है। फिर यहाँ ले लेता हूँ मैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट एक्स टेंड्स टू वन माइनस समथिंग एफ एक्स माइनस एफ वन अपॉन एक्स माइनस वन, और वन माइनस समथिंग होगा एक से छोटी वैल्यू पर फंक्शन क्या होगा, एक से लेस देन, देखिए लेस देन वन, आप देखिए लेस देन वन, जब एक्स की वैल्यू लेस देन वन है तो ये आपका फंक्शन है माइनस एक्स माइनस वन, और नीचे आपका एक्स माइनस वन कैंसिल हो गया, ये माइनस वन आ गया, लिमिट का रो लिखा, लिमिट छोटी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आइए राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव इसमें क्या लेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू वन प्लस समथिंग एफ एक्स माइनस एफ वन अपॉन एक्स माइनस वन, लिमिट एक्स टेंड्स टू वन प्लस समथिंग, वन प्लस में एक से बड़ी वैल्यू में, देखिए जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन वन है, जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन वन है वो इसका दिख रहा है, जरा हाँ जी देखिए जब x की वैल्यू ग्रेटर देन वन है तो हमारा ये फंक्शन है, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन वन है तो ये फंक्शन है, तो वन प्लस मतलब एक से बड़ी वैल्यू में आपका फंक्शन ये है, कैंसिल होकर वन आ गया, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं आया है, तो हम ये कहेंगे कि फंक्शन इज नॉट डेरिवेबल एट एक्स इक्वल टू वन।